अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट पार्टी का बाकायदा आगाज हो चुका है। मैं इसलिए नहीं इसे एस्टैब्लिशमेंट पार्टी कह रहा कि ये एस्टैब्लिशमेंट ने बनाई है। इस पार्टी का नाम है इस्तेहकाम पाकिस्तान। तो इस्तेहकाम का अंग्रेज़ी में मतलब होता है एस्टैब्लिशमेंट। एफ ए पास लोगों ने इस पार्टी का नाम रखा है तो यही तवक्को हो सकती है। बहरहाल इस पार्टी के एक नहायत अहम रुकन फवाद चौधरी साहब जो हैं, उनके लिए मैंने कल ट्विटर पे एक पोल रखा। ओपन प्लेटफॉर्म था, पूरे पाकिस्तानियों से एक सवाल पूछा पोल पे और वोट देने के लिए कहा। ऑप्शन थे दो उनके पास, इलेक्शंस में आप वोट किसे देंगे, फवाद चौधरी को या पीटीआई के टिकट होल्डर खंबे को। यकीन जानिए 84,000 लोगों ने इस इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया और 83,000 से ज्यादा लोगों ने खंबे को वोट दे दिया। यानी कि 84,000 लोग इसके अंदर आकर के वोट देते हैं और उसमें से 83,000 लोग खंबे को वोट देते हैं। 848 लोग सिर्फ फवाद चौधरी को वोट डालते हैं इसमें। 848 लोग 84,000 से ज्यादा लोगों में से फवाद चौधरी को वोट डालते हैं। 1% फवाद चौधरी, 99% पीटीआई का टिकट होल्डर खंबा वोट ले जाता है। ये 1% जो 1% था, इसके अंदर जो 848 वोट फवाद चौधरी को पड़े उसमें भी 50 लोग वो थे जिन्होंने कमेंट करके बताया गलती से हमारा क्लिक हो गया फवाद चौधरी के नाम पे, वोट तो डल जाता है और साथ दो गालियां भी लिखी। तो वो वोट भी अगर निकालें तो तकरीबन 500 वोट मिलते हैं फवाद चौधरी को 84,000 लोगों में से। हिबा फवाद जो फवाद चौधरी की बेगम है, उन्होंने इसका लिंक अपनी किटी पार्टी वाली दोस्तों को भी सेंड किया व्हाट्सएप के ऊपर, पूरी कोशिश की जितवाने की, लेकिन जब ना जीत सके तो आज रात को मुझे ब्लॉक करके निकल गई ट्विटर से। लेकिन फवाद चौधरी को यह सोचना चाहिए कि जिस तरफ जा करके वो खड़ा हुआ है और वो लोग जो इन्हें हमारे ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं, उन्हें जरा दो मिनट के लिए यह सोचना चाहिए। जहांगीर तरीन पाकिस्तान के सबसे मोतबर इदारे सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने, अदालत ने यह कहा है कि यह शख्स काबिल नहीं है अवाम की रहनुमाई करने के लिए। इस शख्स के अंदर अहलियत नहीं है, काबिलियत नहीं है, यह अवाम की रहनुमाई नहीं कर सकता, यह लीडर नहीं हो सकता। और ये चाहते हैं कि अब यह शख्स आकर के पाकिस्तान को इस्तेहकाम दिलाए। भैंस की आंख कुछ भी, बकरियां समझ के रखा हुआ है खुदा की कसम इस कौम को, कुछ भी करवा रहे हैं भाई। आज फोटो देखें, वहां पे जो इफ्तिताह हुआ, किसी ने मुंह पे हाथ रखा हुआ है, कोई कान खुजा रहा है, किसी को रोना आ रहा है। और एक तस्वीर ये भी आई है जिसम पे गोलियां खा करके, एक 150 पर्चे बर्दाश्त कर करके दहशतगर्दी की अदालतों के चक्कर लगवा लगवा कर भी, फिर भी आसमान को देखते हुए मुस्कुराता हुआ ये शख्स। वह नर का बच्चा है खुदा की कसम, जुर्रतमंद है, गैरतमंद है, ये बहादुर माँ ने बहादुर बेटा पैदा किया है। इसे कहते हैं प्रेशर बर्दाश्त करना और हर तकलीफ के सामने सीना तान के खड़े होकर कहना खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। और तुम लोगों से मुझे गिला ही नहीं है, तुम्हारी तारीख जानता हूं मैं। 5,000 साल की तारीख उठा करके देखो, 5,000 सालों में गुलाम ही रहे हो खुदा की कसम। चंद्रगुप्त मौर्य आकर के चढ़ जाता था तुम पे कभी, अशोक आके चढ़ जाता था, वो अफगानिस्तान के पहाड़ों से घोड़े पे बैठ के गजनवी आता था, पता नहीं कितने सालों तुम्हारे ऊपर चढ़ के बैठा रहता था। वो अजरबैजान से आते थे मुगल और पता नहीं कितनी सदियां तुम्हारे ऊपर बैठ के हुक्मरानी करते रहे। तुम्हारी नस्लों में गुलामी है, तुम्हारे खून में गुलामी है, तुम जोर बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, तुम कोहट नहीं सकते, तुम डर जाते हो, दबक जाते हो, भाग जाते हो, चप्पलें छोड़ के भाग जाते हो। इस कौम को आजादी का चूरन बेच करके ट्रकों पे खड़े होकर के फवाद चौधरी नारे लगाते थे तेरा बाप भी देगा आजादी। शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती, मुंह पे हाथ रख करके वहां बैठे हुए और मर जाते ना इस जिंदगी से। कल तक, 4 दिन पहले तक तो इस कौम को आकर के बताते रहे हम आजादी लेकर के देंगे, आजाद करेंगे तुम्हें। ये नल्ले, ये चले हुए कारतूस, मफाद परस्त, मतलब परस्त, ये आजादी देंगे। और मैं तुम्हारी तारीख की बात करता हूं, तुम तारीख में गुलाम रहे हो सारे के सारे। ए चौहान अलगोरिदम वाला चौहान, ये इस्तेहकाम पाकिस्तान करवाएंगे अब। इनकी तारीख गुलामी की है। एक नर का बच्चा खुदा की कसम पूरे के पूरे निजाम के खिलाफ खड़ा है इस वक्त।
غاصبوں کے خلاف، قابضوں کے خلاف کھڑا ہے، اسے اکیلا کرنے کے لیے کیا سے کیا کر رہے ہیں، یہ کیا سے کیا کر رہے ہیں اور کس کے ساتھ تک گر رہے ہیں. آج شاہ محمود قریشی صاحب بھی آ کر کے خان صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں ایک قدم پیچھے ہونے کا. اسے کہہ رہے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں، بہت سختی ہو رہی ہے، آنے والے حالات آپ کے لیے بہت برے. اس شخص کو آ کر کے بتا رہے ہو آنے والے حالات برے ہوں گے جس کے اوپر گولیاں چلا دی گئیں، اسے بتا رہے ہو آ کر کے آپ لوگ کے حالات خراب ہو جائیں گے، بہت سختی ہو جائے. اسے تو گولیاں مار دی انہوں نے، اسے تو اس دن مار رہے تھے، اسے کیا بتا. اس سے زیادہ کیا حالات برے ہوتے ہیں کہ آپ کے اوپر فائرنگ کر دی جائے، جوڈیشل کمپلیکس میں آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جائے، پھر رات کو آ کے بیٹھ کے وہ کہتا ہے کہ خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا. اسے سمجھا رہے ہو حالات خراب ہو جائیں گے. اس نے زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے اس وقت آزادی، اور یہ قوم صرف اور صرف اس ایک وجہ سے اس شخص کے پیچھے کھڑی ہے کہ وہ اپنے نظریے کے ساتھ مخلص ہے، وہ اپنی بات کے اوپر پکا ہے، وہ دلیر ہے، وہ مرد ہے، وہ آزادی کی یہ جنگ لڑ رہا ہے، اسے جہاد سمجھ کے لڑ رہا ہے. یہ قوم اس وجہ سے اس کے ساتھ ہے.